अरे ट्विंकल ने आज मेरे यूवी के साथ शादी कर ली है। मैंने कहा था ना, सिर्फ 3 घंटे। लग गया झटका। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज फाइनली वो हो गया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। इसी को कहते हैं शह और वाह। माय डार्लिंग लीला जान, मुबारक हो। अरे आप लोग ऐसे बुद्ध बन के क्यों खड़े हुए? हाँ हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दिखाती अपनी औकात फिर से तूने, लेकिन यू नो व्हाट, तेरी इन घटिया हरकतों से ना फर्क नहीं पड़ता हमें। निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से, इससे पहले कि मैं अपनी शराब पर भूल जाऊं। जस्ट गेट आउट। वायर, बड़ी जान आ गई है तुझमें, आखिर आए भी क्यों ना? आखिर तेरी रगों में मेरा खून जो दौड़ रहे हैं, हाँ? मेरे एक्शन हीरो, तुझे मुझे थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेट एक साथ कर देना चाहिए। मेरी बात मान, ज्यादा लोड मत ले, वैसे ही बीमार है। सांस नहीं आएगी, बीमार है ना, बंद कर लोड ले। और मेरी बात सुन ध्यान से, ठंडे दिमाग से। वैसे बात बहुत सिंपल है, अब ट्विंकल जो है वो मेरी बीवी है। और जो काम मैं पहले नहीं कर पाया वो मैंने अब कर दिया, और आप लोगों ने सबने मिलके इतनी अच्छी अरेंजमेंट जो करी है, आई डू वांट टू थैंक यू फॉर दैट, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से धोखा दे सकूं, क्योंकि मैंने दी। तेन पता भी है पाप क्या होता है? किसी दूसरे की बीवी के साथ जबरदस्ती शादी करके ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ा है यहाँ पर। और दामाद, अरे ये दामाद तो क्या मेरे पैर के जूती के नीचे रहने के लायक भी नहीं है। समझ सकती हूँ, बहुत बड़ा शौक लगा है ना तुझे, है ना? लेकिन जो होना था वो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है? और किस्मत का लिखा जो मान कर चलता है ना, जिंदगी में हमेशा वही खुश रहता है। प्लीज अब एक्सक्यूज कर समधन जी, मुझे मेरी नूह से मिलने तो दे। तू चुप करेगी? तेनु की लगता है ये बेहूदा हरकतें करके तू हम सबको बर्बाद कर देगी? अरे बेवकूफ औरत, कुंज और ट्विंकल अब भी शादीशुदा है, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता, तेरा ये मुंडा भी नहीं। और ये सब धक्कानुसी शादी जो है ना, ये सब बेईमानी है, इसे कोई नहीं मानता। कुंज और ट्विंकल का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, समझी तू? अब जा यहाँ से। ओ प्लीज लीला, ये लेक्चर तेरे ना बहुत ओल्ड हो चुके हैं, बोर मत कर। और सच्चाई, सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, और सच्चाई यही है कि ट्विंकल और कुंज की शादी टूट टूट टूट। उन्होंने खुद अपने डिवोर्स पेपर्स पे अपने हाथों से दस्तखत कर रखा।
यकीन नहीं हो रहा? ये देख। बेबे आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ये अनीता अनीता सब कुछ बर्बाद कर देगी। उषा उषा ट्विंकल नजर नहीं आई। ट्विंकल कहते हैं ट्विंकल कितने है? ट्विंकल ट्विंकल कहाँ चली गई मेरी बच्ची? ट्विंकल ट्विंकल कहाँ है? ट्विंकल ट्विंकल मैं अंदर देख गया था। हाँ पुत्र। ट्विंकल बेबी कहाँ हो तुम? घर मेरी कुड़ी नु कुछ हो गया ना अनीता, भाई गुरु जी दी सौ मैं तुझे और तेरे मुंडे नु छोड़ूंगी नहीं, याद रख। बेबी शर्माओ मत यार, देखो देखो अब तो सुहाग रात भी नहीं हुई हमारी, अभी अभी से शर्मा रही है मेरी बेटी की। देखो ट्विंकल तुम्हारा यू भी तुम्हें बुला रहा है। पता है जब तू अचानक मंडप से चली गई थी ना, ढूंढते हुए रूम में मुझे ये मंगलसूत्र में तेरा मंगलसूत्र जो मैंने तुझे दिया, इनके लिए हमारे प्यार की हमारे विश्वास की निशानी, इसे कभी अलग मत होने देना। हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं हो सकते ट्विंकल। हमारा रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, उसे ऊपर वाला रिश्ते बनाता है ना तो कोई भी नीचे वाला उसे तोड़ नहीं सकता। तो जब तक मेरी सांसें चलेंगी ना, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कुंजा आई एम सॉरी, कुंज में तुम्हें सब कुछ बता सब कुछ। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आंखें हैं वो सब सवालों के जवाब दे रही। बस एक बात का किला हमेशा रहेगा मुझे, सब अकेली सहती घटिया इंसान पे भरोसा कर लिया ताकि वो मेरा ब्लड डोनर बन सके। एक बार बता के तो देखती, हम मिलके हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था और तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, कोई डोनर भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक डोनर मिला लेकिन अनीता ने उसे भी खरीद के मंगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ मैं तुम्हें नहीं खो सकती थी। मारी जान बचाने के लिए किसी भी हद से जा सकती थी, कुछ भी करने के लिए तैयार यार। और मुझे सिर्फ यूवी से ब्लड लेना ही ऑप्शन दिखा खुदा ने। मुझे पता था, मुझे पता था कि यू भी कोई ना कोई घटिया हरकत करेगा। मैंने इतना नहीं सोचा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी नीच हरकत करेगा, इतना गिर जाएगा खुद। सब मेरी गलती है, मैं जानती थी यू भी और अनीता घटिया से घटिया करने अपना सकते, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई पुत्र।
कुछ नहीं कर पाई। चाहते हुए भी मैं अपनी बच्ची को दुनिया के सामने मजाक बनने से बचा नहीं पाई पुत्र, माफ कर दे। मैंने माँ आपकी कोई गलती नहीं, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही कि माँ बेटे हैं ही ऐसे घटिया दिमाग है। अगर ये हरकत नहीं करते तो कुछ और करते, लेकिन हमारी जिंदगी में ना जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पुत्र मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करेंगे। ये माँ बेटे ने तो बहुत सोच समझ कर चाल चली है, बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर चुके हैं ये माँ बेटा। अब वो अनीता चाहती है कि शादी की सारी रस्में पूरी हो। उसने तो ट्विंकल और यूवी की रिंग सेरेमनी रखी है कल। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अरे शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है क्या? और इस शादी का तो कोई वजूद ही नहीं है। भरोसा है मुझे तुझ। हमारे मारे आ रहे मैं जानता हूं, तू जो भी कर रही है हम दोनों के लिए कर, हमारे प्यार के लिए कर। लेकिन तू अकेली नहीं है ट्विंकल, मैं हर कदम पे तेरे साथ हूं। माँ बेबे, हमें ट्विंकल का साथ देना होगा। यूवी को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यूवी के साथ मेरी शादी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है यूवी की बर्बादी। मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरी मांग का सिंदूर, वो हमेशा और हमेशा कुंज के नाम का ही रहेगा। लेकिन यूवी को सबक सिखाने के लिए मुझे उसकी झूठी बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस सब में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? Hi baby, I mean बीवी। Oh no 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 no, wifey, wifey sounds better. What do you say? Yuck! कितना गंदा परफ्यूम है, आई जस्ट हेट इट। और अब से तो वही परफ्यूम लगाएगी जो मुझे पसंद। सब फेंक दे, आफ्टर ऑल मैं तेरा पति हूं ना, तुझे मेरे सारे पसंद का ख्याल रखना चाहिए, है ना? यू ही तो यूवी, तुम जो चाहते थे वो तो हो गया। तुम चाहते थे हमारी शादी हो जाए, हो गई। लेकिन मेरे लिए ये सब एक बड़े शौक की तरह है।
आई मीन मैं रातों रात मिसेस कुंद सरना से तुम्हारी बीवी बन गई। यूवी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़े स्पेस की भी जरूरत है यूवी, और मैं थोड़े वक्त किसी कमरे में रहना चाहूंगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, फंक्शन के लिए, राइट? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ फंक्शन में, मिसेस युवराज लूथरा बनके। लेकिन युवराज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड के आई विल टेक माई ओन टाइम। ओ श्योर, तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे साथ कोई गेम खेलने या मुझे धोखा देने की तूने कोशिश भी करी ना, तो जानती है मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूं and what I'm capable of. So please don't ever. हाँ, अब तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। That's like my girl. अरे हाँ, रिंग सेरेमनी के बाद तुम्हें केक काटना है। केक, एक मिनट। लीला, आई एम सो सॉरी। समधन जी, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने स्पेशल केक बनवाया, जरा किचन में जाकर ले आओ ना प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी इस फंक्शन पर आए। आई नो कि सब बहुत गड़बड़ चल रहा है, पहले शादी हो गई फिर सारे फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन रस्में तो रस्में होती हैं, उन्हें तो निभाना पड़ता है ना? मैं चाहती हूँ कि आप सब यूकी, रुको, मैं हेल्प कर देती हूँ। आफ्टरऑल मेरी सासू माँ की हेल्प करना मेरा धर्म है ना। रुको, माय गॉड मम्मी जी, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ भी ओ माय गॉड, ट्विंकल, मैं साफ कर रही हूँ ना मम्मी जी, साफ हो गया, बस इनफ। आर यू श्योर मम्मी जी? या एंगेजमेंट की रस्म शुरू करो, कम ऑन, गिव मी सम डिशेस, डैम इट, बंदरी लग रही है। रिंग का दूसरा बॉक्स कहाँ है? What do you mean, नहीं है, यही तो था। नो मॉम, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है, दूसरी बॉक्स नहीं है। मतलब वो मैं ऊपर जाके लेके आऊँ? अरे पति हो ना तुम मेरे, अगर तुम नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? यूवी, अगर मुझसे सगाई करनी है तो वहाँ से अंगूठी लेकर आओ। इतना सा नहीं कर सकते? यू तो बहुत हीरो बने फिरते हो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और अगर जरा सी अंगूठी लाने की बात आई तो तुम्हारी हवा निकल गई। तो अब इतनी सी अंगूठी की बात आई तो मैं कैसे जाऊं? मुझे नहीं पता, अगर मुझसे सगाई करनी है तो वहां से अंगूठी लेके आओ। Thank you.
और यूवी चल आजा, हम सब तेरे साथ है। आज भाभी जी को दिखाई देते कि ये सब तेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी जगह मेरा कुंज होता ना तो झूमर के आसमान से भी मेरे लिए अंगूठी ले। तेरा पति और कौन? तुझे वॉर्न किया था ना मैंने कि मेरे साथ ज्यादा चलाकी मत दिखाई। तुझसे बोला था ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाई वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। और तुझे क्या लगा तू मेरी और मेरी मॉम की इंसल्ट करेगी और मैं खड़ा होकर देखते रहूंगा खुद बन के? अब तू देख मैं तेरा और तेरे इस कुंज का क्या हल करता हूं।
अगर बचा सकती है तो बचा ले अपने कुंज। तुझे क्या लगा? कुछ नहीं कहूंगा। अब तू देख, मैं एक एक करके तेरे सारे फैमिली मेंबर्स को बर्बाद कर दूंगा। इसे सिर्फ धमकी मत समझे मेरी। दूर हट मुझसे वरना। यू भी मैंने कहा दूर हट। क्या मारेगी? मार, कम ऑन, भोग दे, कम ऑन। इतने छोटे चाकू से मर जाऊंगा मैं? मार दे, मारना विकल, कम ऑन। झूठ बोल रही है। और ये औरत, मेरी सास, ये भी साजिश में शामिल है। ये दोनों मिलकर अत्याचार करती है थी। ये मुझे कैसे मारा है? पूरा हाथ काट दिया। ये दोनों माँ बेटे ना मिलकर साजिश करते हैं और मुझसे इतना डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। भगवान मुझे बचा ले। कोई मुझे बचा ले। हाय रब्बा, हाय रब्बा, पति ने पत्नी को मारा। अरे इसकी तो सजा जेल होती है। अरे इंतजार किस बात का? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। हाँ बुला बुला। अच्छी एक्टिंग थी ना, बहुत अच्छी थी ना। हाँ तो मेरे नकली पति, अगर ये वीडियो गलती से पुलिस के पास चला गया या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड हो गया तो सोच तेरी इज्जत का कैसा फलूदा होगा। तो इसीलिए दोबारा कभी मुझे या मेरे परिवार को धमकी देने की कोशिश करी ना तो इस वीडियो को सारी दुनिया में फैला दूंगी। उसके बाद ना तुम दोनों माँ बेटे की इज्जत का ऐसा जुलूस निकलेगा कि किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे। डोमेस्टिक वायलेंस का इतना तगड़ा केस ठोकूंगी कि दोनों माँ बेटे सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। और मैं ट्विंकल तेरी तरह सिर्फ धमकी नहीं देती, समझा? यूवी, मेहंदी की सारी तैयारी होगी। अब वक्त आ गया है ट्विंकल का गुरूर तोड़ने का। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा। बड़ी हीरोइन बनती फिरती है। सही वक्त है, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देते हैं। अब हम उससे बताएंगे कौन है हीरो, कौन है जीरो। डोंट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आई हैव अ प्लान। ये क्या है? ये है हमारे गेम की वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसकी मदद से हम ये सारा गेम जीतने वाले हैं। आप बस देखते जाइए कैसे मैं उस ट्विंकल को उसकी बोलती बंद कर दूं। वेट एंड वॉच। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।